नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी और मेरे चैनल इजी लाइफ विद सीमा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को धार बनाने की रेसिपी बताऊंगी। धार जो देवी माता को चढ़ा जल देवी माता के जल में डाल करके हम लोग चढ़ाते हैं गांव में, अगर गांव में की होंगी अगर आप तो आप जान जाएंगी कि धार क्या होता है, लेकिन अगर आप शहर में होंगी तो आपको नहीं मालूम होगा कि धार क्या होता है। तो धार मैं बनाना बताऊंगी, ये गांव में तो मार्केट दुकान में आसानी से मिल जाता है, जा करके आप ला करके उसको आप पूजा में यूज़ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ शहर में अभी इसको सब लोग बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन इतना ज़रूरी है कि ये माता का इसके बिना पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसका जो है शीतला माता और दुर्गा माता जितनी भी देवियाँ हैं ये इन लोगों को ये पूजा में जो है इसको इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये इसके बिना अगर आप पूजा कर रही हैं तो आपका पूजा पूर्ण नहीं होता है। तो इसको आप जल में डाल करके और नीम के पेड़ में जो है इसका जल आप धार के रूप में दीजिए। अगर किसी बच्चे को चेचक हो जाता है तो उसको हम लोग गांव की भाषा में माता माँ कहते हैं, तो उसको भी अगर आप 7 बार उसके सिर से उतार करके और नीम के पेड़ पर डालती हैं तो भी वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये धार का बहुत बड़ा महत्व है, इसको हम घर में बना करके और डिब्बे में रख लेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब माता का पूजा करेंगे तो उसको एक चम्मच डाल करके और हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए, अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो ये एक बार आप बना करके और इसे माता का पूजा कीजिए, देखिए आपका पूजा कितना ज़्यादा सफल होता है। और ये माता की पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो चलिए, बातें ना करते हुए अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं इसी जानकारी आपको देती रहती हूँ जो आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको ये मेरे वीडियो द्वारा आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी वीडियो टू वीडियो, तो इसलिए आप ये मेरा वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपके काम का हो तो, और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलिए, बातें ना करते हुए धार बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मखाना है और ये गड़ी है, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये छुहारा है और ये गुड़ है, ये इलायची है और ये लौंग है और ये हल्दी है। आप मात्रे को बढ़ा घटा सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आप किसी भी चीज़ को कम बेसी कर सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ होनी चाहिए इसमें एक भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हम इसको पहले तो खलबट्टे में इसको कूटा जाता था लेकिन अब मिक्सी हो गया है तो अब इसको हम मिक्सर के जार में उसको पीस लेंगे। ये बनाना बिल्कुल आसान है और इसको आप बना करके और अगर पूजा कर रही हैं माता दुर्गा माता, काली माता और माँ शीतला, इनको ये बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। ये धार जो होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आप गांव से जुड़ी होंगी तो आपके दादी नानी जो होंगी वो उनको मालूम होगा ये बात। तो मैं भी अपने दादी से ही सीखी थी और पहले मैं गांव में तो मिल जाता था आसानी से, लेकिन जब मैं शहर में आई तो यहाँ बिल्कुल मिलना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने उनसे पूछ करके और ये बना करके घर में अपने डिब्बे में रख लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं माता का जब पूजा करती हूँ तो ये जरूर इस्तेमाल करती हूँ। तो एक लोटे जल में इसको एक चम्मच डाल करके और नीम के पेड़ में मैं डाल देती हूँ। अगर मेरे घर के पास नीम का पेड़ नहीं है तो फिर भी मैं किसी माता के सामने रख करके और किसी भी गमले में मैं इसको डाल सकती हूँ। तो देखिए, ये मेरा बन के तैयार हो गया है, ये खराब नहीं होता है। आप इसको कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, जितना भी आप बना कर रख सकें रख दें, इसमें कोई वो नहीं है कि एक, और इसको एक डिब्बे में बंद करके साफ सुथरा आप रख दीजिए और इसको यूज़ कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा पूजा में काम आता है और इससे अगर आप एक बार पूजा करके देखिए माता आपके कैसे आपकी सब पुकार सुनती हैं। तो ये शहर में लोग नहीं जानते हैं तो मैं सोची लाइए अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को भी जानकारी दे दूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है पूजा में, दुर्गा माता की पूजा में। तो इसमें मैं डिब्बे में बंद करके इसको रख दूंगी और उसके बाद मुझे ज़रूरत होगा तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो आप प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और माता का संपूर्ण पूजा का फल आप लीजिए। मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा सुखी रहें और संपन्न रहें, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें लेकर आती रहती हूँ ताकि आप लोगों को पूजा का पूरा फल मिले। तो इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ हमेशा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।